भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मंगलवार से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले भारतीय टीम को एक बड़े धर्म संकट से जूझना पड़ रहा है। जी हां, भारत को मुंबई में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम के खिलाफ मंगलवार को होने वाली 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में पारी का आगाज करने के लिए फॉर्म में चल रहे राहुल और अनुभवी शिखर धवन में से किसी एक को चुनना होगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाली इस द्विपक्षीय सीरीज में निजी प्रतिद्वंद्वताएं भी देखने को मिलेंगी, जिसमें रोहित शर्मा बनाम डेविड वार्नर और विराट कोहली बनाम स्टीव स्मिथ की जंग रोमांचक होगी। वही मैच दोपहर करीब 1:30 बजे से शुरू होगा। बुमराह, शमी और नवदीप सैनी की मौजूदगी वाला भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की परीक्षा लेने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास आईपीएल के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी पैट कमिंस, केन रिचर्डसन और अनुभवी मिचेल स्टार्क जैसे तेज गेंदबाज हैं, जो कोहली और उनकी टीम को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं एलेक्स कैरी की आक्रामक बल्लेबाज और शानदार विकेट कीपिंग को भारत के ऋषभ पंत से चुनौती मिलने वाली है। टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छाप छोड़ने वाले ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज मार्नस लेबुशेन अपनी बेहतरीन फॉर्म को छोटे प्रारूप में भी दोहराना चाहेंगे। भारत के लिए हालांकि सबसे बड़ी चुनौती ये चुनने की होगी कि रोहित के साथ पारी का आगाज धवन और राहुल में से कौन करेगा। अगर मौजूदा फॉर्म को मानक माना जाता है तो राहुल इस दौड़ में धवन को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों में क्रिकेट में धवन का रिकॉर्ड बेहद शानदार है। दोनों टीमों के बीच एक दिवसीय विश्व कप में पिछले मुकाबले के दौरान धवन ने शतक जड़कर भारत की आसान जीत की नींव रखी थी। हालांकि इस मुकाबले को 7 से अधिक महीने बीत चुके हैं और तब से धवन चोटों से परेशान है। धवन इस दौरान खराब फॉर्म से भी जूझते रहे, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ पिछले T20 अंतर्राष्ट्रीय में उन्होंने अर्धशतक जड़ दिया। विश्व कप के दौरान धवन की मौजूदगी में राहुल काम चलाओ के तौर पर 4थे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस क्रम पर श्रेयस अय्यर ने उम्दा प्रदर्शन से वानखेड़े स्टेडियम में धवन या राहुल में से किसी एक को अंतिम एकादश में लाने के लिए मजबूर कर दिया है। वानखेड़े स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल होती है और भारत पिछले साल मार्च में घरेलू सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-3 की शिकस्त से सबक लेते हुए निश्चित तौर पर 2 कलाई के स्पिनरों के साथ नहीं उतरेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक वाले कुलदीप यादव को चहल पर तरजीह दी जा सकती है। पूरी संभावना है कि अगर केदार जाधव कुछ विशेष नहीं करते तो उनकी जगह आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज भी हो सकती है। चर्चाएं ये भी है कि आईपीएल करियर को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने से हिचक रहे हैं, मगर 19 जनवरी को न्यूजीलैंड दौरे के लिए घोषित होने वाली एक दिवसीय टीम से अगर उन्हें अजिंक्य रहाणे और सूर्यकुमार यादव की दावेदारी को पछाड़ना है तो कुछ अच्छी पारियां भी खेलनी होंगी। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।